कढ़ाई में ऑयल लिया है और तकरीबन एक चाय का चम्मच जो है इसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगा। थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि ज़ीरे का जो है एक अपनी खुशबू होती है, एक अपना टेस्ट होता है। इसके साथ ही तकरीबन 10 से 12 अदद साबुत लहसुन जो है वो डाल दूंगा मैं। साबुत डाल रहे हैं लहसुन इसमें क्योंकि साबुत लहसुन जब पकेगा तो इसका अपना एक टेस्ट होता है। इसके साथ ही तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो है वो डाल देंगे और पकाएंगे थोड़ा सा। अच्छी तरह से पकाना है इसको। थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर हम आलू और प्याज जो हैं वो डाल देंगे। ये छोटे छोटे प्याज हैं बिल्कुल, और आलू जो हैं वो भी, इनका साइज़ भी छोटा सा है, दरमियाने साइज़ के हैं। ये डाल देंगे, इनको हमने कट नहीं लगाना है, वैसे ही हमने इसको डाल देना है साबुत ही, और पकाएंगे थोड़ा सा भुनेंगे। अभी मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक जो है ज़रूरत ले रहा हूँ मैं। इसमें हम हल्दी भी इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन एक चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। और धनिया पाउडर लेंगे, तकरीबन एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर है। तकरीबन एक चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डाल देंगे और हिलाएंगे, पकाएंगे थोड़ा सा ताकि मसाला जो है नीचे ना लगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम एक चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च है, दखनी मिर्च कहते हैं वो है, और एक चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर है, और एक चाय का चम्मच ही काली मिर्च जो है पिसी वो डाल देंगे और पकाएंगे इसको। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए, छीटा लगाएंगे खाली पानी का हम इसमें। जी, इस तरह बिल्कुल छीटा लगाना है, और हिलाएंगे थोड़ा सा, पकाएंगे, और इसके साथ इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उतना डाल लें, और चूल्हा आपने नीचे से तेज़ कर देना है। हमने दम लगा देना है इसको। माशाल्लाह देखें, आलू भी हमारे गल चुके हैं, प्याज भी हमारे गल गया है, और अगर आप ग्रेवी मतलब कम रखना चाहें तो आप इसको थोड़ा और पका सकते हैं। ये देखें बिल्कुल, इसमें आपने मसाले तेज़ रखने हैं जिसकी वजह से कि आप प्याज जो मीठा है और आलू भी अंदर से पीके हैं और मसाला जो है बराबर लगे। इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।